आई एम कॉनन सिद्दीकी एंड वेलकम टू मेड परस्पेक्ट। सो आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो से। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलते हैं? हमारी जो ओवरी और एंडोमेट्रियम है तो उसमें रेगुलर चेंजेस आते रहते हर मंथ, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। अभी हमने एंडोमेट्रियम में पिछले वीडियो में पढ़ा था एंडोमेट्रियम के बारे में, उसको वापस से एक बार टचअप कर लेते हैं। तो ये था ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, इनर मोस्ट लाइनिंग है यूट्रस की। और अगर आपने है ना पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अपर मोस्ट जो ये अपर मोस्ट टू थर्ड पार्ट दिख रहा है, ये देखिए जो अपर मोस्ट टू थर्ड पार्ट है एंडोमेट्रियम का, ये एंडोमेट्रियम है इसके ऊपर। तो जो अपर मोस्ट टू थर्ड पार्ट है उसको हम फंक्शनलिस लेयर बोलेंगे, और जो डीप पार्ट है वन थर्ड उसको हम बेसालिस लेयर बोलेंगे। तो ये अब सुपरफिशियल फंक्शनलिस लेयर उसको स्ट्रैटम फंक्शनलिस भी बोलते हैं, और बेसालिस लेयर को स्ट्रैटम बेसालिस भी बोलते हैं। तो फंक्शनलिस लेयर जो है, ये देखिए ये जो फंक्शनलिस लेयर है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करी, और बेसालिस लेयर को कौन सी आर्टरी सप्लाई करी है। तो देखिए बेसालिस लेयर को बेसल आर्टरी सप्लाई करेगी जो स्ट्रेट आर्टरीज है, और जो फंक्शनलिस लेयर है उसको ये स्पाइरल आर्टरीज सप्लाई करेगी, ये देखिए स्पाइरल आर्टरी। और इसको जानना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेसल आर्टरी जो है वो हार्मोन सेंसिटिव नहीं है, कोई भी हार्मोन बेसल आर्टरीज को अफेक्ट नहीं करेगा, और जबकि स्पाइरल आर्टरीज की बात करेंगे तो वो हार्मोन सेंसिटिव है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के अंडर वो डिफरेंट बिहेव करेगी। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्चुअली में मेंस्ट्रुअल साइकिल दो प्रोसेसेस को बोलते हैं जो कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। तो दो प्रोसेसेस क्या है? दो साइकिल्स है जो कोऑर्डिनेशन में चलती है। एक तो ओवरी में चलेगी, उसको ओवेरियन साइकिल बोलेंगे, और जो एंडोमेट्रियम पे चलेगी यूट्रस की लाइनिंग में चलेगी इनर मोस्ट लाइन, उसको एंडोमेट्रियल या यूटेराइन साइकिल बोलेंगे। तो ओवेरियन साइकिल क्या करती है? ओवेरियन साइकिल में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, और क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है डेफिनेटली। और एंडोमेट्रियल साइकिल की बात करेंगे तो वो क्या करेगी? रेगुलर साइक्लिक ग्रोथ होगा एंडोमेट्रियम का, और एंडोमेट्रियम की श्रेडिंग होगी। तो वो एंडोमेट्रियल साइकिल में हम देखेंगे। अभी मेनार्की किसको बोलते हैं? मेनार्की फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं। जब एक लड़की को फर्स्ट पीरियड आता है उसको हम मेनार्क बोलेंगे। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगी, और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रुकेगी। फिर उसके बाद में मेनोपॉज हो जाएगा। मेनोपॉज कब होगा? जब ओवेरियन फंक्शन सारे डिक्लाइन हो जाएंगे, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप हो जाता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं। अब मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डे की होती है? मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 डेज से 35 डेज तक की होती है। मतलब सब गर्ल्स में डिफरेंट डेज की होती है, बट हम लोग एवरेज कितना कंसिडर करते हैं? 28 डेज। और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होगी फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से, मतलब फर्स्ट डे जो रहेगा ब्लीडिंग का, उस ये देखिए ये फर्स्ट डे है ब्लीडिंग का, तो वो डे वन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, और उसको क्या डे वन ऑफ द साइकिल बोलेंगे। और ओव्यूलेशन, देखो ये ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है। तो फॉर एग्जांपल कि मेरा लास्ट मंथ की और ओव्यूलेशन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है। तो एक्चुअल में क्या, ये जो स्टार्टिंग का फेस है ये इतना रेगुलर नहीं होता है, ठीक है? तो ये जो एंडिंग का फेस है, सिक्रीटरी फेस है, या फिर इसको लूटियल फेस भी बोलेंगे, तो वो 14 डेज का होता है, 13 से 14 या 15 डेज का। मतलब ये ज़्यादा, इस पे ज़्यादा हम लोग रिलाय हो सकते हैं। तो 14
ये ओव्यूलेशन कब होगा? 14th डे बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब ये मेरा फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, तो इससे जो 14 दिन पहले मेरा ओव्यूलेशन हुआ था, ठीक है. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते कि लास्ट साइकिल 32 डेज की थी, एक लेडी की लास्ट साइकिल 32 डेज की थी, तो आज उसका फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग है, तो हमको कैसे पता चलेगा ओव्यूलेशन कब हुआ? तो हम लोग 32 डेज की साइकिल हुई माइनस 14 डेज करेंगे, तो फिर जो ये 32 माइनस 14 करेंगे तो उससे हम लोग की है ना ये डे ऑफ ओव्यूलेशन पता चलेगा. तो लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14 डेज इज इक्वल टू डे ऑफ ओव्यूलेशन. ये देखो, अगर ये डायग्राम पे देखेंगे तो ये 14th डे को ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है. तो ओव्यूलेशन से पहले जो था इतना फेस, उसको क्या बोलेंगे हम? प्री ओव्यूलेटरी फेस. प्री ओव्यूलेटरी फेस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे इतने को? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेस बोलेंगे. और ये जो प्री ओव्यूलेटरी फेस है तो उसको हम फॉलिकुलर फेस बोलेंगे, और जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेस है उसको हम लूटियल फेस बोलेंगे. और इसी को अगर हम लोग एंडोमेट्रियम से करस्पॉन्ड करेंगे तो देखो, ये हम लोग ने बोला था कि फॉलिकुलर फेस है, और ये बोला है कि लूटियल फेस है, ठीक है. तो इसको हम लोग अभी एंडोमेट्रियम से कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर जो फॉलिकुलर फेस में, एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल फेस आएगा और पॉलीफरेटिव फेस आएगा, और जो लूटियल फेस चल रहा है इधर, तो अगर उसको एंडोमेट्रियल साइकिल से कंपेयर करेंगे तो वो सिक्रीटरी फेस आएगा. अभी ये दोनों साइकिल किस पर डिपेंड होती है, ठीक है. तो ये हॉर्मोन्स जो सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस पे, उस पर डिपेंड होती है. और अभी देखो, हाइपोथैलेमस में आर्कुएट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है. तो आर्कुएट न्यूक्लियस क्या करते हैं? GnRH सिक्रीट करते हैं. GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो ये आर्कुएट न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट कर रहे हैं? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है. ये देखो, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा गोनाडोट्रॉप्स के पास. इधर सेल्स होती है गोनाडोट्रॉप्स करके एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो ये गोनाडोट्रॉप्स के पास जाएगा और उनको स्टिमुलेट कर देगा. और जब गोनाडोट्रॉप्स स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो दो टाइप के केमिकल सिक्रीट करते हैं. कौन से दो केमिकल सिक्रीट करेंगे? FSH और LH. FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और LH का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और ये कहाँ पर एक्ट करेंगे FSH और LH? ये ओवरी पे एक्ट करेंगे. और ओवरीज को क्या सपोर्ट करेंगे? ओवरीज को सपोर्ट करेंगे फॉलिकल्स की ग्रोथ में. तो देखो, हाइपोथैलेमस में आर्कुएट न्यूक्लियस है. आर्कुएट न्यूक्लियस गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेंगे. ये कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में. एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या है? गोनाडोट्रॉप्स है. तो ये गोनाडोट्रॉप्स को क्या बोलेगा कि FSH और LH बनाने के लिए गोनाडोट्रॉप्स FSH और LH रिलीज करते हैं और ओवरीज पे एक्ट करते हैं. और ओवरीज फिर FSH और LH रिलीज ये कर रहे हैं, तो ओवरीज क्या रिलीज करेगी? ओवरीज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करती है, ठीक है. और ये जो देखो, इधर जो ये हो रहा है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर होता है, तो वो एक पल्सेटाइल मैनर में ये करता है, स्टिमुलेट करता है. तो जब है ना पल्स, GnRH पल्सेज है ना ज़्यादा होगी और कम एम्पलीट्यूड की होगी, मतलब कम हाइट की होगी और ज़्यादा होगी, ठीक है. तो फिर जब क्या रिलीज़ होगा? FSH रिलीज़ होगा. और फिर बाद में जब है ना लेस रहेगी और है ना एम्पलीट्यूड बड़ा रहेगा, फ्रीक्वेंसी लेस रहेगी, तो जब क्या होगा? LH रिलीज होगा. LH और यहाँ पर FSH. तो ये देखिए, ये क्लियर है. अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं.
अभी ये इंट्रायूटराइन, देखो ऊजेनेसिस है ना, इंट्रायूटराइन लाइफ में ही बिगिन हो जाता है। तो जब एक फीमेल बॉर्न होती है तो बर्थ के टाइम पे उसके पास स्पेशल टाइप की स्टेम सेल्स होती है, ठीक है। ये स्टेम सेल्स को क्या बोलते हैं, ओओगोनियम बोलते हैं। अभी ओओगोनियम क्या है, एक डिप्लॉयड स्टेम सेल्स है। डिप्लॉयड मतलब 2x, मतलब 46 क्रोमोसोम, 23 मैटर्नल 23 पैटर्नल। अब इंट्रायूटराइन लाइफ में क्या होता है, जब 20th वीक होगा जेस्टेशन का तो फीमेल की ओवरी में 6 to 7 million ओओगोनियम प्रेजेंट रहेंगे। और फिर बाद में जब बर्थ के टाइम पे फीमेल के पास कितने होते हैं, 2 million तक होते हैं, बाकी के सब एपोप्टोसिस हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। फिर बाद में फीमेल थोड़ा थोड़े वो ओवोगोनियम डेवलप होते रहेंगे, ठीक है। तो प्यूबर्टी तक कितने हो जाएंगे, वो 4 lakh तक पहुँचते हैं, प्यूबर्टी तक सिर्फ 4 lakh तक पहुँचेंगे। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन हो जाएगी तो सिर्फ 500 से भी कम ओवोगोनियम है ना रिलीज होते हैं, ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो प्यूबर्टी तक जब भी बंदी बड़ी होती है, ओवोगोनियम किस में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो ये ओवोगोनियम प्राइमोडियल फॉलिकल में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये देखो ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, तो इसमें कन्वर्ट होते रहेंगे प्यूबर्टी से पहले, ठीक है। और ये प्रोसेस प्री प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी से पहले ही वो डेवलप होते रहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स में। अभी प्यूबर्टी से पहले हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस ठीक से डेवलप नहीं हुआ हुआ रहता है। अभी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस कब डेवलप होता है उसको देखते हैं। तो जब एक गर्ल है जो कि 8 to 12 ईयर्स की एज तक पहुँची है, तो तब HPO एक्सिस सेंसिटिव होता है। और फुली इस्टेब्लिश कब होगा, 13 to 14 ईयर्स तक वो फुली इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो स्टार्ट में जब GnRH रिलीज होता है तब सिर्फ LH ही रिलीज होता है पिट्यूटरी से, तो FSH अभी रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस अभी अभी डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी इसी में ना वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, LH को ही रिलीज करेगा, FSH को रिलीज नहीं करेगा। FSH का पूरा फुली डेवलप कब हो जाता है, वो 13 to 14 ईयर्स की एज में। तो बाद में जब मैच्योर होगा तो फिर दोनों FSH और LH दोनों हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट करेगा। तो यही रीज़न है कि स्टार्टिंग की कुछ साइकल्स एनओविलेटरी होती है, मतलब ओविलेशन नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है ओविलेशन, इसलिए पेनलेस होती है। तो प्यूबर्टी से पहले प्राइमोडियल फॉलिकल्स की ग्रोथ है ना गोनाडोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट होती है। फिर प्यूबर्टी के बाद FSH पिक्चर में जब आ जाएगा तो FSH हेल्प करेगा फॉलिकल्स को ग्रो होने में, तो एज अ रिजल्ट गोनाडोट्रॉपिक डिपेंडेंट हो जाती है फॉलिकल्स की ग्रोथ। अब देखो, अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो था पिछली स्लाइड में, ये देखो ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे। अब प्राइमोडियल फॉलिकल को देखते हैं। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो था उसके बीच में क्या है, ये देखो ये ओगोनियम दिख रहा है, उसके बीच में क्या है, ओगोनिया है। और सराउंडिंग में क्या है, फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल, मतलब ये देखो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल, ये तो इसको क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल। तो ये क्या बनाती, ये ग्रैनुलोसा सेल ऑफ एपिथीलियम बनाएगी। देखो ये मैच्योर हो रहा है, ये मैच्योर होके किसमें क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। तो फर्स्ट चेंज हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, जो ये ऊसाइड थी इधर, ये बड़ी हो गई, ठीक है, ये बढ़ेगी। और सिंगुलर लेयर जो था फॉलिकुलर ग्रैनुलोसा सेल का, वो अब मल्टी लेयर हो गया है क्यूबॉइडल सेल का। ये देखो मल्टी लेयर हो गया है क्यूबॉइडल सेल का। और ये स्टेज पे ऊसाइड है, जो ऊसाइड है वो क्या बनाएगा, ठीक है, ये स्टेज पे ऊसाइड
एक ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस सिक्रीट करेगा, एक एवैस्कुलर कोड बना लेगा अपने आसपास। ये जो उस साइड था देखो, इसने जोना पेलुसिडा बना लिया। वो क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस है, तो इसने जोना पेलुसिडा बना लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी प्री एंट्रल फॉलिकल देखते हैं। अभी जैसे जैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल बड़ा होता रहता है, देखो प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में बना, फिर प्राइमरी फॉलिकल अभी प्री एंट्रल फॉलिकल में डेवलप होगा। तो अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो, तो वो ट्रांसफॉर्म होते रहता है, ठीक है। तो ग्रैनुलर सेल्स जो है वो पॉलीफरेट होते रहेगी। अभी ग्रैनुलर सेल क्या करेगी? एक फ्लूइड, ये देखो ये स्मॉल फ्लूइड दिख रहे, फ्लूइड कैविटी, ये देखो ये तो ग्रैनुलोसा सेल है, वो है ना फ्लूइड बनाने लगेगी। ये फॉलिकुलर फ्लूइड में क्या होता है मेनली, इसमें मेनली हायलुरोनिक एसिड होता है, और ये फ्लूइड्स की पॉकेट, मतलब ये फ्लूइड्स की पॉकेट बनने लगती है। बहुत सारी ऐसे 3-4 ऐसे पॉकेट्स डेवलप होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो देखो अब तक हमने प्राइमोर्डियल फॉलिकल देखा, प्राइमरी फॉलिकल देखा, नहीं हाँ, तो जो हमने अभी है ना प्राइमोर्डियल फॉलिकल देखा फ्री, फिर प्राइमरी फॉलिकल देखा, फिर प्री एंट्रल फॉलिकल देखा अब तक। तो अब ये जो ग्रैनुलोसा सेल है, देखो जो ग्रैनुलोसा सेल भी आपको पता है कि वो साइड था, उसके आसपास ग्रैनुलोसा सेल थी। तो ग्रैनुलोसा सेल के पास बाजू बाजू में भी सेल्स होगी, ठीक है, डेवलप होना चालू होगी बॉर्डर पे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको थीका सेल्स बोलेंगे। थीका सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स साथ में काम करते हैं और क्या बनाते हैं? ईस्ट्रोजन बनाते हैं। तो ये देखो ये जो दिख रही है इधर, इसको हम बोलेंगे थीका सेल्स। ये हिस्टोलॉजी है, तो इसमें देखो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कितने अच्छे से विजिबल है, और देखो ये प्राइमरी फॉलिकल है, ग्रैनुलोसा सेल कैसे डेवलप हो रही है। सेकेंडरी फॉलिकल में देखो कितना बहुत सारा लेयर है ग्रैनुलोसा सेल का, और फिर बाद में आसपास थीका सेल्स भी है, थीका सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। अभी हम इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। अभी हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वो क्या? स्टेरॉइड हार्मोन है, और ये स्ट्रक्चर है जो ओवरी का, ये देखो ये स्ट्रक्चर सिंथेसाइज करता है। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये ओगोनिया रहेगा, ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, ये थीका सेल्स है, ये ओ साइड है, ओ साइड ग्रैनुलोसा एंड ये थीका, ठीक है। तो ओ अभी ये जो ओवेरियन फॉलिकल है उसके बीच में ओ साइड है, ठीक है, ओ साइड ग्रैनुलोसा सेल से सराउंडेड है, ग्रैनुलोसा सेल क्यूबॉइड सेल्स है, और फिर बाद में उसके मल्टीपल लेयर्स है, बाहर के थीका सेल्स है। तो, और ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये ईस्ट्रोजन बनाते हैं। तो इस अगर ये एरिया में जूम इन करेंगे, ये देखो, तो बॉक्स डायग्राम कंसिडर करते हैं, तो जो थीका सेल्स है, ठीक है, उसके ऊपर ये LH रिसेप्टर्स रहेंगे, और फिर बाद में जो ग्रैनुलोसा सेल है उधर FSH रिसेप्टर रहेंगे ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर। तो थीका सेल के ऊपर कौन से रिसेप्टर है? LH रिसेप्टर्स है, और ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर FSH रिसेप्टर्स है। ये है ना सेल मेम्ब्रेन पे लोकेट रहते रिसेप्टर्स। अब क्या होगा, अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि थीका सेल का जो लेयर है वो वैस्कुलराइज्ड है, मतलब उधर ब्लड सप्लाई है, और जो ग्रैनुलोसा का सेल लेयर है वो वैस्कुलराइज नहीं है, वो एवैस्कुलराइज्ड है। तो ब्लड किसके पास आने वाला है? थीका सेल्स के पास आने वाला है। तो अभी ग्रैनुलोसा सेल को नरिशमेंट चाहिए रहेगा, तो कैसे वो नरिशमेंट पाएगी? तो वो क्या होता है बताऊँ? थीका सेल्स के थ्रू डिफ्यूजन होता है इधर, और फिर बाद डिफ्यूजन होगा और फिर ग्रैनुलोसा सेल्स को नरिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो
थीका सेल्स के पास एलएच रिसेप्टर होते हैं, सॉरी थीका सेल के पास एलएच रिसेप्टर्स होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल के पास एफएसएच रिसेप्टर होते हैं, थीका सेल ए वैस्कुलर थीका सेल वैस्कुलराइज्ड है, ग्रैनुलोसा सेल ए वैस्कुलराइज्ड है, और जो भी न्यूट्रिशन चाहिए रहेगा ग्रैनुलोसा सेल को वो थीका सेल के थ्रू मिलेगा डिफ्यूजन के थ्रू। और फिर बाद में अभी आगे चलते हैं, आगे आगे की बात करते हैं। तो थीका सेल को वैस्कुलराइज लेयर है, ठीक है, तो जब वो ब्लड से क्या ऑप्टेन करेगी थीका सेल, एलडीएच कोलेस्ट्रॉल ऑप्टेन करेगी, ठीक है, ब्लड से। ये एलएच रिसेप्टर आया इधर थीका सेल के पास, फिर ये क्या है, उसने एलडीएच कोलेस्ट्रॉल निकाली ब्लड स्ट्रीम से, तो ये कोलेस्ट्रॉल है ना एंड्रोजन बनाने के काम आएगा, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल से थीका सेल एंड्रोजन बनाएगी, देखो ये एंड्रोजन बनाई, पहले ये एंड्रोजन बनाती है थीका सेल, फिर बाद में क्या होता है इसको ये एंड्रोजन एलएच रिसेप्टर्स है, एक सेकेंड, जो एलएच रिसेप्टर्स है जो है वो आके बैठेगा थीका सेल पे, और फिर बाद में वो ब्लड से क्या निकालेगी, ब्लड से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकालेगी एंड्रोजन बनाने के लिए। थीका सेल पहले एंड्रोजन बनाएगी और फिर बाद में क्या करेगी, वो एंड्रोजन डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ पर जाएगा, ग्रैनुलोसा सेल में, ठीक है, पर ये याद रखना कि बना कौन रहा है एंड्रोजन, पहले थीका सेल बना रही है, तो एंड्रोजन ग्रैनुलोसा सेल में गया और ग्रैनुलोसा सेल के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ईस्ट्रोजन का रॉ प्रोडक्ट क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन कहाँ से आ रहा है, थीका सेल से। अभी थीका सेल, इसलिए थीका सेल और ग्रैनुलोसा सेल देखो एक साथ एक यूनिट की तरह काम करती है, ठीक है, और क्या बनाती है, ईस्ट्रोजन बनाती है, और ये एंड्रोजन से जो ईस्ट्रोजन कन्वर्ट कर रही है वो एफएसएच के प्रेजेंस में ही होगा, एफएसएच होना इधर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एफएसएच के प्रेजेंस में ही एंड्रोजन से ईस्ट्रोजन बना पाएगी, और एफएसएच जब बाइंड होता है और तो क्या स्टिमुलेट करता है, एंजाइम स्टिमुलेट करता है, एरोमैटिस एंजाइम, तो एफएसएच बाइंड होगा तो वो एक एंजाइम स्टिमुलेट करेगा एरोमैटिस, और वो हेल्प करेगी एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में बनाने के लिए। और ये जो पूरा भी कॉन्सेप्ट बताया ये थीका सेल का और ग्रैनुलोसा सेल का साथ में काम करने का, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको टू सेल टू गोनाडोट्रॉपिक हाइपोथीसिस बोलते हैं, टू सेल टू गोनाडोट्रॉपिक हाइपोथीसिस। तो उस जहाँ पर अभी हमने छोड़ा था, हमने प्री एंट्रल फॉलिकल पे छोड़ा था, अभी एंट्रल फॉलिकल पे आते हैं, तो एफएसएच स्टिमुलेट होता रहेगा और ग्रैनुलोसा सेल्स ये फॉलिकुलर फ्लूइड बनाने लगेगी, राइट, और ये ग्रैनुलोसा सेल फॉलिकुलर फ्लूइड प्रोड्यूस करते रहती है, कब तक करते रहती है, जब तक ये दोनों पॉकेट्स मिल नहीं जाते। ये देखो पहले हमने देखा था कि ये उस साइड था तो इधर ऐसे पॉकेट्स बन रहे थे, तो जब तक फिर ये क्या, ये पॉकेट्स अपने आसपास, ये न्यू ओ साइट है, तो ये पॉकेट्स आके जब तक मिल नहीं जाते, एक पॉकेट नहीं बना लेते, जब तक है ना वो फॉलिकुलर फ्लूइड प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक एक नहीं बन जाता, ठीक है, दोनों पॉकेट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये जो पॉकेट बना है बड़ा वाला, ये इसको क्या बोलेंगे हम, एंट्रम बोलेंगे, एंट्रम, ठीक है, ये एंट्रल फॉलिकल जो है तो वो ग्रैनुलोसा सेल उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ये देखो हिस्टोलॉजिकली और फंक्शनली बेसिस पर दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं ग्रैनुलोसा सेल को एंट्रम फॉलिकल में। देखो जो ऊसाइड के सराउंडिंग है ग्रैनुलोसा सेल्स उसको हम लोग क्यूम्यूलस ऊफोरिकस भी बोल सकते हैं, और जो एंट्रम, जो ग्रैनुलोसा सेल्स एंट्रम कैविटी के सराउंडिंग में है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, म्यूरल ग्रैनुलोसा सेल।
ठीक है, ये देखो, और एंट्रम के आसपास से उसको म्यूरल ग्रैनुलोसा सेल बोलेंगे। ये जो एंट्रल फ्लूइड है जो अक्यूमिनेट हो रहा है, ये हेल्प करेगा फॉलिकल्स की साइज को बढ़ाने में, ठीक है, जल्दी से साइज को बढ़ाने में हेल्प करेगा, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ये प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल जो है, जो ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ये एंट्रल है और ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसको ग्राफियन फॉलिकल को प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल भी बोलते हैं। तो अभी क्या होगा, ये देखो, एक सिलेक्शन विंडो, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, सिलेक्शन विंडो की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब साइकिल स्टार्ट हुई थी, जो 14 अब ये जो 28 डेज की साइकिल है, जो डे वन था, उससे 2-3 महीने पहले ही है ना फॉलिकल्स है ना डेवलप होना चालू हो गए थे, जो ये साइकिल में मैच्योर होंगे वो पहले ही, मतलब पहले 2-3 साइकिल पहले ही डेवलप होना चालू हुए। तो मतलब 3 से 11 फॉलिकल्स होंगे जो पहले से ही डेवलप होना मैच्योर होना चालू हो गए थे। फिर वो जब ये डे वन रहेगा मेंस्ट्रुएशन का, तो जो 2-3 महीने डेवलप हुए थे पहले, तो वो फॉलिकल्स पार्टिसिपेट करेंगे। अभी जो मिड फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, अभी हमने बोला था ग्रैनुलोसा सेल्स प्रोड्यूस कर रही है ईस्ट्रोजन, तो 3 से 10 फॉलिकल्स ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो और ईस्ट्रोजन के साथ एक और एक कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है ओवरीज, ईस्ट्रोजन के साथ इनहिबिन बी भी प्रोड्यूस होगा, इनहिबिन बी। अब ज़्यादा ईस्ट्रोजन हो जाएगा ना, तो एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा पिट्यूटरी को, और फिर क्या होगा, FSH लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे। और ये नेगेटिव फीडबैक कौन दे रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिन बी दे रही है, तो FSH के लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, बट LH के लेवल्स को कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर जितने भी फॉलिकल्स थे, जितने भी बाकी के एक ही डॉर्मेंट फॉलिकल बनना है ना, एक ही विनर चाहिए हम लोग को, बाकी के सब क्या हो जाएंगे, बाकी के सब मर जाएंगे, वो सब डीजेनरेट हो जाएंगे, तो एपोप्टोसिस हो जाएगा, और सिर्फ एक ही फॉलिकल मैक्सिमम रिसेप्टर्स बनेगा FSH के, और वो ही सिलेक्ट होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, वो फॉलिकल को डोमिनेंट फॉलिकल बोलेंगे, और बाकी के सब मर जाएंगे, एपोप्टोसिस हो जाएगा बाकी के फॉलिकल्स का। अभी ग्राफियन फॉलिकल की देखो बात करते हैं, तो ये क्या है, ये एक सेकेंडरी ऊसाइड है। सेकेंडरी ऊसाइड अभी तक हमने जितने भी फॉलिकल्स की बात करें, देखो प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्री एंट्रल फॉलिकल, एंट्रल फॉलिकल, ये चारों फॉलिकल्स प्राइमरी ऊसाइड थे, और अब ये क्या है, ये सेकेंडरी ऊसाइड है। मतलब कि यहाँ पर है ना मायोसिस हुआ है, देखो देखो, अगर है ना ये मैंने बोला कि मेरे पास एक डिप्लॉयड स्टेम सेल है, मैंने यही बोला था ना, डिप्लॉयड मतलब 2N, ठीक है, डिप्लॉयड स्टेम सेल थी, तो वो क्या देगी मेरे को, N, राइट, दो हैप्लॉयड सेल देगी, तो मुझे दो हैप्लॉयड सेल मिलेगी। फिर अगर दोनों हैप्लॉयड सेल में इधर माइटोसिस वन हुआ, अरे मियोसिस वन हुआ, मियोसिस वन, और इधर वापस अगर मियोसिस टू होगा, तो मुझे इधर भी दो मिलेंगे हैप्लॉयड सेल, और मेरे को इधर भी दो मिलेंगे हैप्लॉयड सेल, तो मेरे पास 4 हैप्लॉयड सेल हो गई, ठीक है। तो जो एक सेकेंड, ब्लैक लेते, हाँ, तो मैंने जो अभी प्राइमोडियल फॉलिकल की बात करी, प्राइमरी फॉलिकल की बात करी, प्री एंट्रल फॉलिकल की बात करी, एंट्रल फॉलिकल की बात करी, वो सब इधर ही थे, वो सब डिप्लॉयड मतलब प्राइमरी ऊसाइड थे। फिर अभी ग्राफियन फॉलिकल है, वो सेकेंडरी ऊसाइड है, ठीक है। तो देखो इसमें हमने बोला कि सेकेंडरी ऊसाइड है, तो इधर इधर क्या होगा, ये देखो इधर एक पोलार बॉडी बनेगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये देखो, ये जो प्राइमरी ऊसाइड है ऊपर वाला 2N जो है ये वाला,
तो ये प्री एंट्रल प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी प्री एंट्रल एंट्रल इधर ही फ्रोजन था। प्राइमोडियल फॉलिकल की स्टेज में जब फीमेल बॉर्न हुई थी तो सारे ना उधर फ्रोजन थे प्राइमोडियल स्टेज में। फिर बाद में ये अभी मैच्योर होते जा रहे, फिर मायोसिस वन होगा तो वो दो सेल्स में डिवाइड हुए राइट। तो ये जो ये फर्स्ट पोलार बॉडी रहेगी और ये भी बाद में सेकेंड, मतलब ये भी है ना ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम अगर जब होगा स्पर्म मिलेगा तो जब मियोसिस टू हो जाएगा, जब तक अगर नहीं मिल रहा तो ये मियोसिस वन की स्टेट में ही फ्रोजन रहेगा। तो देखो यहाँ पर प्राइम ये यहाँ पर आपको फर्स्ट पोलार बॉडी दिख रही है, तो ये देखो ये क्या है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है ठीक है, ये मेटाफेज टू की स्टेज में फ्रोजन है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा प्राइमरी फॉलिकल, ये देखो प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल, ये प्री एंट्रल फॉलिकल है, ये एंट्रल फॉलिकल है और ये प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल है। तो इसकी ड्यूरेशन कब, ये ओव्यूलेशन हो रहा है मतलब ये 14 डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है। तो 14 डे से पहले अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब डे 1 टू डे 14 पे होता है। डे 1 और डोमिनेंट फॉलिकल 5th डे 6th डे पर ही सिलेक्ट हो जाता है। तो ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, तो इसको ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है इसको 70 डेज के आसपास तक का ये ओल्ड है अभी ठीक है, ये दो साइकिल पहले से ही मैच्योर होना स्टार्ट हो गया, अभी ये 70 डेज के आसपास तक का है ना ये ओल्ड है। और फिर बाद में ये अभी की साइकिल में ये स्टार्ट करेगा और फिर बाद में वो प्राइमरी में डेवलप होगा, फिर प्री एंट्रल में, एंट्रल में, फिर प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल में जो कि ग्राफिन फॉलिकल है। मैं अभी इसको एक है ना मेटाफर की तरह मैं आपको एक बताती हूँ। तो ये ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी फॉलिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है, उसको हम लोग एक है ना इसकी तरह देखते हैं, एक रेस की तरह देखते हैं ठीक है। तो ये 70 डेज के तो है और 3 से 10 फॉलिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के में कम्पीट, 3 से 11 फॉलिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक दूसरे में कम्पीट करेंगे और डोमिनेंट फॉलिकल बनने के लिए। तो फिर अगर मेटाफर की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो रेस हो रही है और समझो 10 पार्टिसिपेंट है तो सिर्फ हमको एक विनर मिलने वाला है और बाकी के सब मर जाएंगे। यहाँ पर एक दूसरे से सब कम्पीट कर रहे हैं जीतने के लिए ठीक है। अभी ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो ये 70 डेज ओल्ड जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे हमारे पास, तो उनके पास क्या सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले उनके पास आएगा FSH ठीक है। तो ये FSH आया इधर, ये जो है ये FSH है ठीक है। तो ये FSH आएगा और स्टिमुलेट करेगा सबसे पहले, उनको हेल्प करेगा ग्रो होने में। हमने कितनी फॉलिकल्स की रेस, हमने कितने फॉलिकल्स की रेस कंसीडर की थी, 10 फॉलिकल्स की, और अभी FSH आया और 10 फॉलिकल्स को हेल्प करेगा ग्रो होने में। तो कंसीडर करो कि 10 के 10 फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन बना रहे हैं और साथ में इनहिबिन बी भी बना रहे हैं। तो फिर अभी जो ईस्ट्रोजन के लेवल्स है वो इंक्रीज़ होने लगेंगे, ईस्ट्रोजन के लेवल्स इंक्रीज़ होने लगेंगे। ये देखो ये जो FSH है ब्राउन में, ग्रीन में क्या है ईस्ट्रोजन है, तो ईस्ट्रोजन के लेवल इंक्रीज़ होने लगेंगे। तो फिर क्या होगा, पिट्यूटरी को एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा और ये फीडबैक कौन दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक ये इनहिबिन बी दे रहा है। देखो पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक गया
और ये फीडबैक कौन दे रहा है, इनहिबिन बी दे रहा है. फिर क्या होगा, FSH का जो लेवल था, ये देखो ये FSH का लेवल थोड़ा FSH स्टिमुलेट कर रहा था, तो FSH का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा. ये देखो FSH का लेवल डिक्रीज होने लगा, ब्राउन में जो है वह FSH है, तो लेवल डिक्रीज होने लगा. तो लेवल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा कब, ये क्या है, ये मिड फॉलिकुलर फेस है, मिड फॉलिकुलर फेस, ये फॉलिकुलर फेस इतना है, मिड फॉलिकुलर फेस इतना है, तो ये डिक्लाइन होने लगा FSH का लेवल. हमने देखो ये रेस का एक मेटाफर कंसीडर किया था कि 10 पार्टिसिपेंट्स रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो पार्टिसिपेंट क्या थे, फॉलिकल्स थे. और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या थी, देखो हम अगर कंसीडर करेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी एक तरह से पेट्रोल पंप की तरह थी, और FSH क्या था, पेट्रोल था, ठीक है. FSH ही स्टिमुलेट कर रहा था ना, तो हमने बोला था कि FSH सिक्रीशन, FSH का सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से बंद हो गया. अभी हमने बोला नेगेटिव फीडबैक गया, FSH का सिक्रीशन बंद हो गया, तो मतलब पेट्रोल पंप अभी बंद हो गए, ठीक है. और पेट्रोल अब नहीं मिलने वाला, और कोई भी पार्टिसिपेंट को पेट्रोल नहीं मिलने वाला, और तो जिस कार में जितना पेट्रोल होगा वो उतना ही आगे जा पाएगी, राइट. तो जो FSH, तो अभी जो फॉलिकल्स के पास सबसे ज़्यादा FSH रिसेप्टर डेवलप होंगे, जिनके पास सबसे ज़्यादा FSH, जो सबसे ज़्यादा FSH रिसेप्टर बनाएगा वो फॉलिकल ही जीतेगा, ठीक है. वही फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल होगा और कंटिन्यू होते रहेगा ग्रो होने के लिए, और बाकी के जितने भी फॉलिकल्स हैं वो सब मर जाएंगे. अभी ये देखो ये क्या था, सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल, ठीक है. तो एक डोमिनेंट फॉलिकल, मिड फॉलिकुलर फेज की बात कर रहे हैं, तो एक डोमिनेंट फॉलिकल सिलेक्ट हो गया है, ठीक है. अब वो डोमिनेंट फॉलिकल क्या सिक्रीट करेगा, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा हाई अमाउंट में, और यहाँ पर क्या हमें मिलेगी, ईस्ट्राडायोल पीक मिलेगी. ये देखो ये ईस्ट्रोजन था ग्रीन में, तो यहाँ पर देखो ये ईस्ट्राडायोल पीक मिलेगी, ईस्ट्राडायोल पीक. और फिर बाद में ये जो ईस्ट्रोजन हाई अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, एक बार ईस्ट्राडायोल पीक मिली तो क्या होगा, पिट्यूटरी को एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, ठीक है. ये देखो ये ईस्ट्राडायोल पीक मिली, पिट्यूटरी को एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक का एलएच सर्ज स्टार्ट हो जाएगा. ये देखो ये जो है, ये है अपना एलएच, ठीक है. सर्ज मतलब ऊपर ऐसे हिल बना रहा है, तो ये पीक है, सर्ज इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये इंक्रीज होना इधर से स्टार्ट हो गया ईस्ट्रोजन का. ये ईस्ट्रोजन का जब ईस्ट्राडायोल पीक मिली, उसके बाद नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक गया पिट्यूटरी को ये ईस्ट्राडायोल पीक के बाद, और ये LH इधर लो अमाउंट में ही था, इधर LH सर्ज हमें मिलेगा. और LH सर्ज की वजह से ही ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, कि LH सर्ज जब होगा उसकी वजह से ही ओव्यूलेशन होगा. तो LH सर्ज क्या ट्रिगर करता है, ओव्यूलेशन को. अभी ओव्यूलेशन के बाद हमारे पास क्या बचा, ओव्यूलेशन हो गया तो ये जो बचेगा ये कॉर्पस ल्यूटियम बचे, ओव्यूलेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास बचेगा. अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है हाई अमाउंट में, और साथ में इनहिबिन ए रिलीज करता है. याद रखना कि ग्रैन्यूलोसा सेल इनहिबिन बी सिक्रीट करती थी, और अभी कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा है, इनहिबिन ए. तो अभी LH बढ़ेगा तो अमाउंट FSH का भी थोड़ा बढ़ता है. ये देखो ये LH जब बढ़ रहा है, LH बढ़ेगा तो FSH भी बढ़ेगा. प्रोजेस्टेरोन का जो सिंथेसिस है वो ओव्यूलेशन के 36 आवर पहले से है ना, ये देखो बनने लगता है, प्रोजेस्टेरोन बिगिन हो जाता है. तो ये जो तीसरा वाला है, ये तो नीचे से आ रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन है. तो ओव्यूलेशन के 36 आवर पहले से ही प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस, ये देखो बिगिन हो जाते हैं. देखो ये LH सर्ज था, ये ईस्ट्राडायोल पीक है, पहले क्या होगा, ईस्ट्राडायोल पीक होगी, फिर उसके बाद में
एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा पिट्यूटरी को, फिर बाद में एलएच सर्च आएगा होगा। और ये प्रोजेस्ट्रॉन, अभी देखो अभी एलएच अपना एलएच सर्ज हुआ तो फिर ल्यूटिनाइजेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स हो जाएगा, वो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगा, फिर बाद में प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स, लो अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन लेवल रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो फिर बाद में लो अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन लेवल रिलीज कर रहा है तो एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा पिट्यूटरी को, और फिर बाद में FSH और LH दोनों बढ़, LH बढ़ता है जब ओव्यूलेशन से पहले, तो वो टाइम पे देखो FSH भी बढ़ता है, जो ब्राउन में अपना FSH था वो भी बढ़ेगा, तो LH जब बढ़ेगा ब्लू वाला तो FSH भी बढ़ेगा। अभी ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, डे 14 एवरेज साइकिल कंसीडर करें तो डे 14 28 डेज़ की एवरेज साइकिल कंसीडर करेंगे तो अभी डे 14 को ओव्यूलेशन होगा, तो एग रिलीज़ हो गया और हमारे पास क्या बचेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बचेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम हाई अमाउंट में प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, फिर इनहिबिन ए सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। अब प्रोजेस्ट्रॉन जो पहले लो अमाउंट में था वो क्या है, वो बढ़ना चालू हो गया कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। ये देखो जो प्रोजेस्ट्रॉन पहले लो अमाउंट में था वो अभी कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है तो प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ना चालू हो गया। अभी जो एग तो चला गया, ठीक है, बाहर, तो फिर क्या हो जाएगा, ईस्ट्रोजन जो बना रहे थे फॉलिकल्स, तो ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि, और पर कॉर्पस ल्यूटियम आगे चल के थोड़ा ईस्ट्रोजन बनाता है पर अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, तो ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ये जो ग्रीन में देखो ईस्ट्रोजन था तो वो क्या है, डिक्रीज हो गया, और जैसे जैसे देखो प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एलएच डिक्रीज हो रहा है। देखो प्रोजेस्ट्रॉन जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है अपना जो एलएच था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होते चले जा रहा है ना। एफएसएच का लेवल भी, एफएसएच को देखोगे तो एफएसएच का लेवल भी ड्रॉप हो जाएगा, ये जो ब्राउन में एफएसएच था अपना, तो एफएसएच का लेवल भी ड्रॉप हो जाएगा, एफएसएच का लेवल भी ड्रॉप हो गया। और कॉर्पस ल्यूटियम हमने बोला था प्रोजेस्ट्रॉन सिंथेसाइज कर रहा है, ये देखो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ऊपर जाएगा, तो प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन राइज हो रहे बढ़ रहे हैं। तो ये जो मैंने ब्लैक लाइन ऐसे मार्क किया वो मैंने 22nd डे बताने के लिए मार्क किया, तो जब साइकिल का 22nd डे रहेगा मतलब ओव्यूलेशन के 8 दिन बाद की बात कर रहे हैं हम, तब कॉर्पस ल्यूटियम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन की पीक मिलेगी, ये जो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन की पीक मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन की पीक मिल रही है। मैक्सिमम प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या है, मैक्सिमम प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल 40 mg पर डे, तो इसीलिए सारे ओव्यूलेशन के जो टेस्ट कराते हैं वो हम 22nd डे ऑफ साइकिल पे करवाते हैं, एडवाइस करते हैं करवाने के लिए, क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कॉर्पस ल्यूटियम को ये 22nd डे तक है ना, हम सजेस्ट करते हैं 22nd डे को कराने के लिए। अब हम ये देखो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है तो वो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में अभी तक कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन कर रहा है, LH मेंटेन कर रहा है, LH के लेवल मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करके रखता है, LH हार्मोन मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो देखो अभी प्रोजेस्ट्रॉन इतना ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, एक नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को, और इनहिबिन ए के साथ में मिलकर, हमने बोला था यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन बना रहा है हाई अमाउंट में, ईस्ट्रोजन बना रहा है, और क्या बना रहा है, इनहिबिन ए बना रहा है, याद रखना कि इनहिबिन बी कौन सिक्रीट करता है, ग्रैनुलोसा सेल सिक्रीट करते हैं। तो अभी हमने बोला कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन के साथ इनहिबिन ए भी सिक्रीट कर रहा है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव फीडबैक की वजह से FSH और LH के लेवल्स एकदम मिनिमम हो जाएंगे,
तो हमने अभी बोला था कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करके रख रहा है, LH हार्मोन। तो अभी LH के लेवल्स तो डिक्रीज हो गए, तो अब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम एक स्कार टिश्यू में ये हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, मतलब कि फाइब्रस स्कार टिश्यू बन जाएगा, उसको हम लोग कॉर्पस एल्बिकन्स बोलेंगे। अभी देखो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ स्पैन की बात करते हैं, तो अभी मतलब कि है ना, अभी जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कितने 10 से 12 दिन तक था, ठीक है, और समझो कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट नहीं होगा। जो HCG हार्मोन है, जो एम्ब्रियो के आसपास के सेल्स है, वो HCG रिलीज करेंगे। तो वो HCG हार्मोन क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रखता है, बोलते हैं भाई तू प्रोजेस्ट्रॉन बनाते रहे, और प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से यूट्राइन की जो वॉल है वो डेवलप होती रहेगी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम नहीं डीजेनरेट होगा, कब तक, जब तक एक प्रॉपर प्लासेंटा नहीं बन जाता। ठीक है, प्लासेंटा जब तक फुली डेवलप नहीं हो जाता, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट नहीं होगा। तो प्रेगनेंसी में उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 10 to 12 weeks तक होती है कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ स्पैन। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पर हमें देखो, अभी यहाँ पर एक और एक कॉन्सेप्ट है ल्यूटियल फॉलिकुलर शिफ्ट का। हमें यहाँ पर ल्यूटियल फॉलिकुलर शिफ्ट देखने को मिलेगी। मतलब ल्यूटियल फॉलिकुलर शिफ्ट है क्या, तो ये पीरियड है जो एक्सटेंड करता है डिमाइस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम से सिलेक्शन ऑफ द न्यू डोमिनेंट फॉलिकल से तक, नेक्स्ट साइकिल की। ठीक है, तो इधर कॉर्पस ल्यूटियम जब है ना मर जाएगा, और जब तक है ना वहाँ से स्टार्ट होके जब तक है ना डोमिनेंट फॉलिकल सिलेक्ट नहीं हो जाता अगले साइकिल के लिए, तो तब तक ये ल्यूटियल फॉलिकुलर शिफ्ट प्रेजेंट रहता है। तो ये देखो एंड में क्या होगा, प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, तो ईस्ट्रोजन और इनहिबिन भी डिक्रीज हो जाएंगे, और फिर बाद में जब नई साइकिल बिगिन होगी, ये देखो FSH का वापस से लेवल इंक्रीज होना चालू होगा, प्रोजेस्ट्रॉन और ये डिक्रीज हुआ तो फिर FSH का ये इंक्रीज लेवल इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, और फिर बाद में नई साइकिल बिगिन होगी। ठीक है, तो हमने अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये देखो ओवेरियन साइकिल देख लिया, प्राइमरी फॉलिकल था, फिर बाद में प्राइमोरियल फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल था, प्री एंट्रल, फिर एंट्रल फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल बना, फिर ओवुलेशन होगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होगा, फिर बाद में मैच्योर होगा, और फिर हमें प्रोजेस्ट्रॉन की पीक देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में जब फाइब्रस स्कार टिश्यू बन जाएगा उसको हम कॉर्पस एल्बिकन्स बोलेंगे। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम में देखने के लिए मिलेगी। तो उसमें कितने फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो ये देखो मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुअल फेस, प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेटिव फेस, और फिर बाद में सिक्रीटरी फेस। तो मेंस्ट्रुअल फेस फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक रहता है, फिर डे 6 से लेके डे 14, फर्स्ट डे से 7th डे तक रहता है, फिर 7th डे से 14th डे तक प्रोलिफरेटिव फेस रहता है, फिर डे 14 से लेके डे 28 तक सेक्रेटरी फेस रहता है। एक और एक बार हम है ना ये करते हैं, एंडोमेट्रियम में जाते हैं। ठीक है, तो देखो एंडोमेट्रियम के दो लेयर, एंडोमेट्रियम दो लेयर से बनता है, हमने बोला सुपरफिशियल फंक्शनलिस लेयर और डीप बेसालिस लेयर। तो सुपरफिशियल फंक्शनलिस लेयर को स्ट्रैटम फंक्शनलिस बोलेंगे, और डीप लेयर को क्या बोलेंगे, स्ट्रैटम बेसालिस बोलेंगे। अब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर श्रेड हो जाता है, तो मेंस्ट्रुअल कितने दिन तक रहेगा, एवरेज 4 to 5 दिन तक रहता है। ठीक है, तो स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो लेयर है, जो ये ऊपर का लेयर है, वो श्रेड हो जा रहा है। फिर बाद में जो बेसालिस लेयर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रीजेनरेट करता है, और हमने क्या बात की थी, बेसालिस लेयर को कौन सप्लाई करता है, बेसल आर्टरी, और फंक्शनलिस लेयर को स्पाइरल आर्टरी सप्लाई करती है। अभी जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर है, जब वो श्रेड होगा तो ये जो स्पाइरल आर्टरीज जो सप्लाई कर रही है ये, तो ये भी श्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो
तो ये इतना श्रेड हो जाएगा। जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर है वो श्रेड हो जाएगा, तो स्पाइरल आर्टरीज भी स्प्रेड हो जाएगी, इसकी वजह से ही ब्लड लॉस होता है। अब मेंसेस के टाइम पे सिर्फ टिश्यू लॉस नहीं होता है, साथ में ब्लड लॉस भी होता है। और ये जो है ये फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे, ये जो श्रेडिंग होती है। अब हमारे पास क्या बचा है, देखो स्ट्रैटम बेसालिस लेयर बचा है। तो अब हम ये मेंस्ट्रुअल फेज की हमने बात कर लिया, ठीक है, टिश्यू लॉस हो रहा है और फिर बाद में ब्लड लॉस हो रहा है और फिर बाद में ये, अभी प्रोलीफरेटिव फेज की बात करते हैं। प्रोलीफरेटिव फेज में क्या होता है, रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन की बात करेंगे तो हम किसके रीजनरेशन की बात करें, स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर के रीजनरेशन की बात करें। और क्या रीजनरेट करें हम, स्पाइरल आर्टरी रीजनरेट करें। क्या रीजनरेट हो रहा है, स्पाइरल आर्टरीज। अभी प्रोलीफरेटरी फेज के कौन से दिन से स्टार्ट होगा, ये डे 6 से लेके डे 14 तक रहेगा। अब हम इसके ओवेरियन साइकिल से कंपेयर करेंगे, तो ओवेरियन साइकिल में फॉलिकुलर फेज चलता था फर्स्ट डे से डे 14 तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज कितना था, फर्स्ट डे से फिफ्थ डे तक का था, और 6 डे से लेके 14 डे तक का प्रोलीफरेटिव फेज होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन होता है। ये देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन होगा। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो ब्लू में वो ईस्ट्रोजन है। तो ईस्ट्रोजन का यूट्रस पे अब क्या इफेक्ट होगा, तो ईस्ट्रोजन रीजनरेट करता है स्ट्रैटम फंक्शनलिस को, इसीलिए फेज को प्रोलीफरेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, प्रोलीफरेट हो रहा है, यहाँ पर प्रोलीफरेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम का अगर स्पेसिफिक बोलेंगे तो स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर का। और क्या रीजनरेट हो रहा है साथ में, स्पाइरल आर्टरीज भी रीजनरेट हो रहे। जो न्यू आर्टरीज बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, अगर न्यू कोई आर्टरी डेवलप हो रही है तो उसको एंजियोजेनेसिस बोलेंगे। तो ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन रीजनरेट कर रहा है स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर को, रीजनरेट कर रहा है स्पाइरल आर्टरीज को, और क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स बना रहा है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करता है। ठीक है, अभी तक कुछ सिक्रीट नहीं कर रही ग्लैंड्स, उसका ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, उसका स्टार्ट कर रहा है। अब देखो ये मैं मार्क कर देती हूँ, ये जो है ये देखो ये एंड ग्लैंड्स बना रहे, ठीक है, ईस्ट्रोजन। टाइटल में बताया था कि सर्वाइकल ग्लैंड्स की बात की थी, राइट। तो अब ईस्ट्रोजन ये सर्वाइकल ग्लैंड्स को म्यूकस सिक्रीट करने बोलेंगे, बट ये म्यूकस एकदम थिन होगा। ये म्यूकस इतना थिन क्यों प्रोड्यूस करने बोल रहा है, क्योंकि डे 14 को के आसपास, ठीक है, ओव्यूलेशन होता है, राइट। तो अगर कोइटस हुआ, इंटरकोर्स हुआ, और अगर स्पर्म ट्रैवल कर रहा है फीमेल जेनिटल ट्रैक में, तो उसका सर्विक्स का जो म्यूकस है तो वो थिन होना चाहिए। अगर थिक होगा तो क्या होगा, स्पर्म्स को ब्लॉक कर देगा। तो इसकी वजह से ये ना स्पर्म्स ब्लॉक ना हो इसलिए वो थिन म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। तो सर्विक्स का म्यूकस एकदम थिन रहेगा ताकि स्पर्म्स आसानी से एग की तरफ ट्रैवल होने हो पाए, ठीक है। तो ये ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में सर्वाइकल म्यूकस कैसा होगा, एकदम थिन होगा। अभी लास्ट फेज की बात करते हैं, सिक्रीटरी फेज की। फेज में प्राइमरी हार्मोन क्या था, देखो ईस्ट्रोजन था, राइट। अभी सिक्रीटरी फेज में प्राइमरी हार्मोन कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या सिक्रीट कर रहा है, याद है हमने बोला था कि LH ग्राफिन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। अभी ये प्रोजेस्टेरोन यूट्रस का क्या करेगा, अभी हमने कहा था कि ईस्ट्रोजन स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर को रीजनरेट करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर को और थिक बनाएगा। ये देखो इतना थिक है ना ईस्ट्रोजन ने बनाया था, तो प्रोजेस्टेरोन इसको और थिक बना रहा है, राइट। ये देखो और थिक बनाएगा, और ये स्पाइरल आर्टरीज जो ईस्ट्रोजन ने बनाया था, ये स्पाइरल आर्टरीज को भी प्रोजेस्टेरोन लंबा कर रहा है, स्पाइरल आर्टरीज को भी लंबा करेगा। और हमने क्या बोला था कि ईस्ट्रोजन ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स बनाता है, ठीक है,
तो गैस करो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन एक्चुअल में ये यूट्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा और मतलब अच्छा ये जो इस ग्लैंड्स थी इसको स्टिमुलेट करेगा। ये देखो ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है तो इसको स्टिमुलेट करेगा और है ना एकदम अच्छा न्यूट्रिएंट रिच ब्रॉथ बनाने बोलेगा, मतलब प्रोजेस्ट्रॉन बोलेगा एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को न्यूट्रिएंट रिच ब्रॉथ बनाने के लिए, जिसमें कि बहुत सारा ग्लाइकोजन हो, लिपिड्स हो और बहुत सारे के स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनाने के लिए बोलेगा। ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में देखो अभी हम है ना सर्वाइकल म्यूकस की बात करते हैं, ठीक है। ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में सर्वाइकल म्यूकस कैसा था, एकदम थिन था। तो अभी हाइपोथेटिकली बात करते हैं कि स्पर्म ऊपर गया और उसने क्या करा, एग को फर्टिलाइज कर दिया, मतलब डे 14 के आसपास स्पर्म ऐसे ऊपर गया और एग फर्टिलाइज करने में वो कामयाब हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अभी जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा उसको सपोर्ट चाहिए होगा यूट्रस वॉल का, ठीक है। यूट्रस वॉल में उसको इम्प्लांट होना है तो उसको डेफिनेटली सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, मतलब ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, हम लोग सिर्फ अभी हाइपोथेटिकली बात करें कि समझो ये वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब कॉइटस हुआ और फिर बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ। अभी अज्यूम करो कि एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया है, ठीक है, यूट्राइन वॉल में। तो हम नहीं चाहते ना कि है ना कोई भी चीज़ वजाइना से डायरेक्टली ऊपर यूट्रस में आ जाए, ठीक है, एम्ब्रियो के पास। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, जो सर्विक्स का जो म्यूकस था जो एकदम थिन था, तो ईस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस कर रहा था थिन म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा था, तो सर्वाइकल ग्लैंड का जो म्यूकस था वो थिन था। तो प्रोजेस्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में क्या हो जाएगा, सर्वाइकल का म्यूकस एकदम थिक हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वाइकल म्यूकस एकदम थिक प्रोड्यूस होगा, तो है ना सर्वाइकल ग्लैंड्स प्रोजेस्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में एकदम थिक सर्वाइकल म्यूकस प्लग जैसा बना देंगे, ठीक है, म्यूकस प्लग फॉर्म करते हैं ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऊपर नहीं आ पाए एम्ब्रियो के पास उसको हार्म करने के लिए। फिर बाद में अभी सेक्रेटरी फेज जो है वो डे 15 से लेकर डे 20 तक होता है, ठीक है, अगर एवरेज साइकिल 28 डेज की कंसीडर करेंगे तो। अब समझो कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया है तो एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पे में इम्प्लांट हो जाए, ठीक है, समझो कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया है तो एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट हो जाएगा। अभी एम्ब्रियो के आसपास की जो सराउंडिंग सेल्स होती है वो HCG प्रोड्यूस करेगी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो HCG क्या करता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है कि प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करते रहने के लिए। अब सोचो कि मतलब ये फर्टिलाइजेशन की बात थी कि फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के आसपास की सेल्स HCG बनाएगी। अब सोचो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो HCG प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन कौन कंटिन्यू होगा क्या, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। HCG उसको मेंटेन ही नहीं रखता है, जो LH से मेंटेन था LH का भी सिक्रीशन डाउन हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन भी फिर डाउन हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, अब जो ये स्पाइरल कॉइल्ड आर्टरीज थी, ठीक है, तो स्पाइरल कॉइल हमने बोला था कि हार्मोन डिपेंडेंट होती है स्पाइरल आर्टरीज, तो ये स्पाइरल आर्टरीज वैसो कंस्ट्रक्शन और वैसो डायलेशन होगा स्टेबल लेवल पे, वो प्रोजेस्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में हो रहा था। प्रोजेस्ट्रॉन जब था तो है ना वो नॉर्मली मतलब कंस्ट्रिक्शन हो रहा था, डायलेशन हो रहा था नॉर्मल स्टेट में। अभी प्रोजेस्ट्रॉन, अभी फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं तो प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल भी डिक्रीज हो गए, तो अभी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रेगुलेट ही नहीं हो पाएगा स्पाइरल आर्टरीज का। अब क्या होने लगेगा बताऊँ, स्पाइरल आर्टरीज है ना स्पैजम्स में आने लगेंगे, स्पैजम आने लगेगा स्पाइरल आर्टरीज में, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होने लगेगा, फिर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होने लगेगा, फिर अचानक से कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन की वजह से है ना ये आर्टरीज बहुत वीक हो जाएंगे, आर्टरीज की वॉल्स बहुत वीक हो जाएंगे और फ्रजाइल हो जाएंगे एकदम। अब ये एकदम स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रिक्शन होगा और ब्लड वेसल्स है ना डायलेट हो जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रिक्शन हुआ और ब्लड वेसल डायलेट हो गए और उसमें आसपास का जितना भी ब्लड है ना वो है ना अक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, और फिर बाद में वो भरता जाएगा, जैसे एक बलून है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा तुम पानी भरते रहोगे उसकी कैपेसिटी के बाद तो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा ना,
ये भी आर्टरीज भी क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। जो स्पाइरल आर्टरीज रप्चर हो गई तो जब ब्लड जो जमा होने लगा था, ठीक है, ब्लड जमा होने लगेगा ये स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर में। अब स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर का क्या होगा, देखो स्पाइरल आर्टरीज ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे ये लेयर को, ठीक है, तो अब तो आर्टरीज रप्चर हो गई तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और ये लेयर क्या है, ईस्टेमिक हो जाएगा, यहाँ पर ईस्टेमिक हो जाएगा। फिर उसके बाद में ईस्टेमिक मतलब ब्लड सप्लाई कम हो गया, उसका लॉस हो गया, और फिर बाद में क्या होगा, फिर बाद में नेक्रोसिस हो जाएगा, और ये स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर जो है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, समझे। और जो थिक सर्विक्स म्यूकस प्लग था वो भी प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करवा रहा था ना, सर्वाइकल म्यूकस प्रोजेस्ट्रॉन के अंडर सिक्रीट हो रहा था, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल तो लो हो गया तो म्यूकस वापस से थिन हो जाएगा। तो सारा मटेरियल जो क्या है, ये सब पूरा ये स्ट्रैटम फंक्शनलिस का लेयर, और फिर बाद में ये रप्चर्ड ब्लड वेसल, फिर वो ब्लड जितना भी जमा हुआ था वो सब क्या वजाइनल कैनाल में आ जाएंगे। अभी श्रेडिंग जो होगी, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस जो हो रही है श्रेडिंग, उसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाएगी और फिर बाद में नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं, डे वन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल काम करते हैं, और ये पूरा प्रोसेस वापस से स्टार्ट होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होता तो कॉर्पस ल्यूटियम देखो प्रोजेस्टेरॉन बनाते रहता, फिर बाद में कब तक, जब तक प्लासेंटा ठीक से डेवलप नहीं हो जाता, मतलब कि 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक है ना कॉर्पस ल्यूटियम है ना ये प्रोजेस्टेरॉन बनाते रहता HCG के इन्फ्लुएंस में। तो पर हर साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये पूरा प्रोसेस वापस से स्टार्ट होगा, तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से ये टॉपिक, और सॉरी बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए बहुत सॉरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम PCOD की बात करेंगे। आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें भी पता चले कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, तो हम भी फिर बनाते रहे, कंटिन्यूटी रखें। तो अभी एक एक ये एक एक टॉपिक को लेके स्टार्ट कर रहे हैं, और पूरा गायनेकोलॉजी का इंशाल्लाह पूरा गायनेकोलॉजी का सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हमारा टेलीग्राम पे बहुत अच्छा ग्रुप है मेड परस्पेक्ट, उसमें सारे नोट्स अवेलेबल है, आप उधर मैसेज कर सकते हैं, तो उधर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे ये सब टॉपिक्स के। तो टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।